Welcome to Hrishikesh Diaries. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू नर्सरी किड्स डायरीज। आज हम उर्दू हरूफ तहज्जी के अपने एक नए दोस्त खानदान से मिलेंगे। आइए देखते हैं वो कौन सा खानदान है। अरे ये तो बे है, इसका मतलब आज हम बे के खानदान से मिलेंगे। बे के खानदान में 5 हरूफ होते हैं, बे ब, पे प, ते त, ते ट और से स। आप देख रहे हैं ना कि सारे हरूफ एक ही तरह से लिखे हुए हैं, बस सिर्फ इनमें नुक्तों का फर्क है। तो आइए इसको लिखने की मशक करते हैं। बे तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसा कोई एक प्लेट जिसमें मम्मा हमें राइस देती हैं। बे को लिखने के लिए आप पेंसिल को नुक्ते पे रख के नीचे आएंगे, लाइन को टच करेंगे, आगे 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 जाएंगे, बहुत ज़्यादा आगे जाके ऊपर वापस चले जाएंगे। ये बन जाएगा बे। बे बनाने के लिए हम इसके नीचे कितने नुक्ते डालेंगे? वेरी गुड, एक नुक्ता डालेंगे। बे के पास होता है एक नुक्ता। बे के बाद आता है पे और पे के नीचे होते हैं 3 नुक्ते, 1 2 3। पे प, पे के बाद आता है ते और ते के पास 2 नुक्ते होते हैं, लेकिन वो होते हैं ते के ऊपर, जैसे हमारे पास 2 आंखें होती हैं। बिल्कुल, ते के बाद अगला हर्फ दोस्त है टे। टे के पास कोई नुक्ता नहीं है, लेकिन एक छोटा सा तोए है, टे ट। टे के बाद बारी आती है से की। से के पास है 3 नुक्ते, 1 2 3, से स। चलें बे के खानदान के हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज की कहानियां सुनते हैं। आइए देखते हैं पहले कौन सा हर्फ फ्रेंड मिलेगा हमें। अरे ये तो एक पार्क है, यहाँ पे तो बे भी आ गया है। और यहाँ पे कौन कौन है? यहाँ पे बिलाल, ब बिलाल, ब बस्ता लेके ब बेंच पे बैठा हुआ है। और वो देखें, एक छोटी सी ब बिल्ली सो रही है। और ब बत्तख कितनी प्यारी है, पीले रंग की। अरे कितने गहरे ब बादल भी आ गए हैं। मेरे ख्याल में अब बिलाल को बस्ता लेके घर वापस जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। आइए बे के खानदान के अगले हर्फ दोस्त से मिलते हैं। यहाँ पे कौन सा फ्रेंड आ रहा है? देखें देखें कौन है। हमारे पास आ गया है प पे। प पे, आपके पास पाकिस्तान का प परचम बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? प परवेज खाना प पका रहा है। मेज के ऊपर ठंडे ठंडे प पानी की बोतल रखी हुई है और इस टोकरी में बहुत सारे फल भी रखे हुए हैं। और ये बच्चा, ये कौन है? प पप्पू, प पतंग उड़ा रहा है। और देखें और यहाँ पे पैसे कौन है? प परिंदा उड़ता ही चला जा रहा है। पप्पे, आपके पास प पाकिस्तान का प परचम है, तो आज हम सब मिलके बोलते हैं प पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पे कौन है? पे के बाद कौन है? ते, ते बैठा हुआ है सोफे पे। ते आपके पीछे खिड़की में से इतने सारे तारे नजर आ रहे हैं। और वो देखें, तस्वीर के अंदर तितली कितनी प्यारी लग रही है। और ते के सामने तो इतना अच्छा ठंडा ठंडा तरबूज भी रखा हुआ है। ते के पास सोफे पे
तकिए भी पड़े हुए हैं। कितने प्यारे पीले रंग के तकिए हैं ना बच्चों। आइए देखते हैं अगला हर्फ दोस्त कौन है। अरे ये तो हम बस स्टॉप पे आ गए हैं, यहाँ पे कौन सा फ्रेंड आ रहा है हमसे मिलने। ते ता है यहाँ पे। बच्चों आपको हॉर्न की आवाज आ रही है, किस चीज का हॉर्न है ये? ढूंढे ट्रक का हॉर्न था ये। द ट्रक हमारे सामने से गुजर गया। टोकरी के अंदर टमाटर रखे हुए हैं और देखें किसी बच्चे ने टूटी हुई बोतल वहीं ज़मीन पे फेंक दी है। बच्चों आपको पता है ना कि हमें हमेशा गार्बेज को डस्टबिन में डालना चाहिए। ते आपके पास कितनी प्यारी टोपी है ना, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। चलें अब हम चल के मिलते हैं फे से और देखते हैं कि फे कहाँ है और क्या कर रहा है। आइए, अरे ये तो हम किसी फलों के मार्केट में आ गए हैं। फे भी आ गया। फे आपके पास जो टोकरी है इसके अंदर क्या हम बहुत सारे फल जमा करने वाले हैं। देखें कौन कौन से फल जाते हैं टोकरी में। सेब, केला, किन्नू, अनानास, बहुत सारे फल मिलके टोकरी में आ गए। समर, वेरी गुड, आप सब बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। चलें बे के खानदान से दोबारा मिलते हैं। बेब, पेपर, टेट और से स। अब आप सब अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे अपने घर में बे के खानदान को लिखने की मश करें और बे के खानदान से शुरू होने वाले नए अल्फाज को ढूंढना मत भूलिएगा। हम सब फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।